फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। आज हम ज्योग्राफी का सेकंड लेसन पढ़ेंगे, सौर मंडल। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, स्टार्ट करते हैं प्रथमता मीन्स प्रारंभिक में। सबसे पहले सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किसका है? तो वो किसने दिया? कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। फिर सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। देखो, सूर्य अगर ये बीच में हुआ, सूर्य के चारों ओर जो घूमेगा वो क्या हुआ? ग्रह। ग्रह के चारों ओर जो घूमेगा वो क्या हुआ? उपग्रह होगा, ठीक ना। और जो सिक्वेंसली मीन्स ये इस बीच से निकल जाए, मान लो ग्रह के भी चारों साइड घूम रहा हो और सूर्य के चारों साइड भी घूम रहा हो, इसे हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट, जैसे कि क्या है? प्लूटो है, ठीक ना, इसको याद रखना। नेक्स्ट है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी ग्रह के चारों ओर, मैंने भी जिक्र किया, क्या कहा जाता है उसको? उपग्रह या सैटेलाइट कहा जाता है। देखो, सैटेलाइट दो टाइप का होता है। एक तो होता है जो नेचुरल है, भगवान ने या प्रकृति में पहले से ही बना हुआ, जैसे धरती का एक मून सैटेलाइट जो है क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल, मतलब मानव निर्मित सैटेलाइट, मैनमेड सैटेलाइट। तो जैसे कि पहला सैटेलाइट कौन था? स्पुतनिक 1 था। जो कौन बनाया था? सोवियत संघ बनाया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न आ सकता है कि सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट या मानव निर्मित सैटेलाइट कौन सा है? तो स्पुतनिक 1 कौन बनाया? सोवियत संघ बनाया, इन रशिया जिसे हम लोग कहते हैं। और भारत का सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा था? तो आर्यभट्ट था, ठीक ना, ये आप लोगों को याद रखना है। चलो, नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया। ग्रहों की गति का नियम कौन दिया? केपलर। फिर सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो देखो, अब कितने हैं? 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 ग्रह हैं। पहले कितने थे? 9 थे, पर 2005 में जो सम्मेलन हुआ था, अर्थ सम्मेलन, उसमें एलिमिनेट कर दिया गया था प्लूटो को, क्योंकि मैंने वही बताया कि वो ग्रह का भी चक्कर लगा लेता था और सूर्य का तो चक्कर लगाता ही था, तो वो अपना क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा था, जिसके कारण उसे ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया गया। और अब टोटल प्लैनेट कितना है? 8 प्लैनेट है। देखो, नेक्स्ट है, फिर सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा कर्म सही है? तो देखो, ग्रह को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया, जितने भी ग्रह हैं उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया। जैसे कि मान लो ये हमारा छोटा सा, मैंने सोलर सिस्टम बना दिया, यहाँ पे मान लो सन है, ठीक ना, तो इसके बाद टोटल 8 प्लैनेट है, 8 डॉट दे दो, और इसके बीच में क्या है? एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है। एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या होता है? तो ये भी सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, पर क्या होता है? बहुत छोटा छोटा होता है वो। बहुत छोटा का मतलब ये नहीं कि आप उसको हाथ में ले लो, मीन्स जैसा माउंटेन होता है ना, उससे अर्थ के कंपेरिजन या मून के कंपेरिजन वो छोटा होता है, मीन्स बहुत बड़ा होता है वो भी। तो एक एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, उसके अंदर जो प्लैनेट होता है, 4 प्लैनेट है, उसको कहा जाता है इनर प्लैनेट, और 4 बाहर होता है उसको कहा जाता है आउटर प्लैनेट, ठीक ना। तो ये जो बेल्ट होता है, यही पूछा जाएगा आपसे कि ये दो किस दो ग्रह के बीच में ये एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है? तो ये होता है मंगल और बृहस्पति के बीच में, याद रखना। और इसके अंदर जो 4 प्लैनेट होता है वो होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये बढ़ते क्रम में है, इन सबसे नज़दीक होता है बुध, फिर होता है शुक्र, फिर होता है पृथ्वी, फिर होता है मंगल। और इसके आगे अगर हम बात करें तो फिर होता है जुपिटर मीन्स बृहस्पति, फिर होता है स्टर्न मीन्स शनि, फिर होता है नेपट्यून मीन्स अरुण, और फिर होता है यूरेनस मीन्स वरुण, सॉरी पहले होता है यूरेनस, फिर होता है नेपट्यून। तो ये था इस तरह से कुछ। नेक्स्ट है, फिर पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, यहाँ पे सूर्य था, अब पूछा जा रहा है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार इसमें से कौन सा प्लैनेट है? तो क्या हो जाएगा? शुक्र है सबसे नज़दीक, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है। देखो, यहाँ पे प्रश्न आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा, ये तो दिया है तो पूछा ही जाता है, पर अधिक प्रश्न जो आते हैं वो ऐसे आते हैं कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन आपको ऐसा 4 दिया रहेगा, तो आपको ऑप्शन टिक करना होगा शुक्र, याद रखिएगा, मंगल नहीं टिक कीजिएगा, क्योंकि पृथ्वी के एक साइड शुक्र है, एक साइड मंगल है, तो सबसे नज़दीक में कौन है? शुक्र है, याद रखना। नेक्स्ट है, आकार के अनुसार मीन साइज के अकॉर्डिंग सौर मंडल के ग्रहों को अवरोही क्रम में, अवरोही मीन्स होते हैं पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर छोटा छोटा होते हुए सबसे छोटा लिखेंगे, तो सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो आप ऐसा करोगे कि अवरोही क्रम दिया गया है, आपसे आरोही क्रम भी पूछ सकता है, तो आप इसका कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। तो आरोही क्रम बोलेगा तो क्या बोलेंगे? पहले बुध, फिर मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही हमारा पृथ्वी कैमरे नंबर का है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें नंबर का सबसे बड़ा प्लैनेट है, ऐसे आप बोल सकते हो, क्योंकि दोनों सेट से पांचवें स्थान पे आता है।
फिर उपग्रह की संख्या के आधार पर सौरमंडल के ग्रहों को अवरोही क्रम में बताएं। अवरोही क्रम मतलब सबसे अधिक सैटेलाइट किसका है उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो देखो यहाँ पे पहला है शनि, फिर है बृहस्पति, अरुण, वरुण, लेकिन ऐसा आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा मेनली, क्योंकि बृहस्पति, देखो जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो अभी सबसे अधिक प्लैनेट किसके पास है, सैटेलाइट बृहस्पति के पास है, तो आप इसके अकॉर्डिंग टिक लगाओगे। अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो ये सब चीज़ चेक कर लिया करो कि लेटेस्ट में क्या दिया गया है, ठीक ना। लेकिन बृहस्पति आप टिक लगाना, बृहस्पति के पास क्या है, सबसे अधिक प्लैनेट है, सॉरी सैटेलाइट है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अप्रॉक्स 63 सैटेलाइट है उसके पास। फिर ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है, तो अधिकतम होता है जब वह सूर्य के समीप आता है, मीन्स अब क्या बोलते हैं, मीन्स पूरा राउंड चक्कर नहीं लगाता, इस शेप में चक्कर लगाता है, आपको क्या तब होगा, तो जब वो यहाँ आता है इस शेप में तो क्या होता है, इसका स्पीड क्या होता है, अधिक होता है। ध्यान रखना, अगर स्पीड नहीं होगा तो क्या होगा, स्पीड बढ़ने से किसी भी पदार्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बढ़ जाता है, चुंबकीय बल बढ़ जाता है, तो सेंटीपीटल सेंटीफ्यूगल फोर्स से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो, वो बढ़ जाने के कारण वो इसके अंदर नहीं जाता। नहीं तो जानते हो ये भी गुरुत्वाकर्षण है, इसमें भी गुरुत्वाकर्षण, अगर तेज़ी से नहीं गुजरेगा यहाँ पे क्या होगा, ये इसमें समाहित हो जाएगा, तो इसीलिए क्या होता है, वो वहाँ पे अधिकतम तेज़ी से घूमता है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, तो अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितनी है, 89 है। नेक्स्ट है, निक्स ओलंपिया कोलंपस, आप कोलंपस नहीं याद रखो, निक्स ओलंपिया याद रखो, पूछा जाता है ये किस ग्रह पर स्थित है, तो ये एक माउंटेन है, पर्वत, किस ग्रह पर स्थित है, मंगल पे, मंगल पे, और साथ ही आपका पूछा जाता है मंगल पे दो उसका मीन्स उपग्रह है, जैसे कि मून हम लोग बोलते हैं अर्थ का, तो वैसे मंगल के पास क्या है, दो उपग्रह है, तो उसमें होबोस और फोबोस है, ठीक ना, उसका भी नाम याद रखोगे। नेक्स्ट है, पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है, तो मैंने जो इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट की बात की थी, तो पार्थिव वही होता है जो इनर प्लैनेट होता है, हिंदी उसका यही हुआ, तो इसमें क्या होता है, चार होता है, चार अंदर और चार बाहर होता है। निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है, तो कौन सा ग्रह नहीं होगा इसमें, तो बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, ये चारों क्या है, पार्थिव ग्रह है, तो क्या होगा, शनि नहीं होगा। ये सब आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन सा है, कभी कौन सा नहीं है। नेक्स्ट है, बाह्य ग्रह या पृथ्वी सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है, मीन्स बाह्य ग्रह या जो बृहस्पति के सदृश, मीन्स जैसे ये इनर प्लैनेट था तो वैसे आउटर में कितना है, वो भी क्या है, चार है। फिर बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो देखो मंगल इसमें नहीं है, हम पढ़े हुए हैं कि ये चारों जो था, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, क्या था, इनर था, ऑटर नहीं था, ऑटर में क्या था, शनि, अरुण, वरुण और बृहस्पति। तो आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो क्या करोगे, आप इंग्लिश हिंदी दोनों में करके देख लोगे, नहीं तो बृहस्पति सदृश ग्रह आप समझ नहीं पाओगे कि ऑटर ग्रह कह रहा है या कौन सा ग्रह कह रहा है, तो वो ऑटर ग्रह है। वैसे बृहस्पति सदृश का क्या मतलब हुआ, देखो जैसे कि इनर प्लैनेट और ऑटर प्लैनेट, तो वो तो एस्ट्रॉयड बेल्ट के कारण डिवाइड किया ही गया है, लेकिन इसके अंदर जो है, दैट मींस इनर प्लैनेट जो है उसमें क्या है, मेटलिक ज्यादा है, धातु अधिक मात्रा में है, और इधर क्या है, गैसियस फॉर्म में प्लैनेट है, जैसे कि हम लोग क्या है, धरती पे खड़े हो पाते हैं, कोई सामान रखते हो धरती पे खड़े हो जाते हो, लेकिन जो मरकरी कौन सा प्लैनेट, जैसे बृहस्पति है, जुपिटर, तो वो गैस का बना हो, उस पर आप खड़े नहीं हो सकते हो, मीन्स दूर से दिखेगा कि ये गोला है इस पर हम जा सकते हैं, लेकिन अभी जाओगे तो कोई सेंटर ही नहीं है, मीन्स आर पार निकल जाओगे, उसका पूरा गैस का बना हुआ है वो, तो और उसके आगे जो भी है, चाहे स्टर्न हो, जुपिटर हो, तो वो सारा क्या है, गैसियस फॉर्म में है, याद रखना इसको, तो उस पर कभी जीवन संभव होना ही नहीं है, जीवन अगर संभव भी होगा तो वो होगा एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर, जिसमें इनर प्लैनेट है उस पर होगा। तो खैर वो एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, देखो अभी हम पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से किस दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, देखो सब घूमता है क्लॉकवाइज, दो प्लैनेट है जो घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो कौन सा प्लैनेट है, वो है शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जाता है शुक्र और अरुण क्या होता है, वामावर्त घूमता है। जैसे कि ये होता क्या है, देख लो जैसे हम लोगों को क्या लगता है, सन जो होता है पूरब में उगता है पश्चिम में डूबता है, मीन्स पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि धरती जो है, अच्छा ये ऐसे समझो जैसे कि मान लो हम ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, तो पेड़ पौधा क्या होता है, पीछे की तरफ आ रहा होता है, इसका मतलब होता है कि पेड़ पौधा अगर साइड का पार्टिकल आपके पीछे जा रहा है तो आप इधर जा रहे हो, यही होता है। तो अगर सूरज हम लोगों को पूरब से पश्चिम की तरफ जाता दिखाई दे रहा है तो ये तो पता है कि सन जो है स्थिर है, घूम रहा है धरती, तो इसका क्या मतलब, धरती जो होगा पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहा होगा, तभी तो ये उधर जा रहा है,
उम्मीद करते हैं समझ रहे होगे आप। तो अर्थ जा रहा है पश्चिम से पूरब की तरफ, तभी हमको सन जो है पूरब से पश्चिम की तरफ दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, शुक्र और अरुण जो होता है वो पूरब से पश्चिम की तरफ ही आता है। तो इसलिए आप कह सकते हो इससे कि अगर हम जाएंगे शुक्र या अरुण पे, तो वहाँ पे हमको सूरज पूरब में उगता नहीं दिखाई देगा, पश्चिम में उगता हुआ दिखाई देगा और पूरब में डूबता हुआ दिखाई देगा। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं आप। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य है, सूर्य। फिर ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है ब्रह्मांड में? वो कहा जाता है अभिनव तारा को, अभिनव तारा। नेक्स्ट है सौरमंडल की खोज किसने की? तो सौरमंडल की खोज किसने किया? कॉपरनिकस, कॉपरनिकस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो इनमें से कौन सा जो है वो ग्रह नहीं है? तो ग्रह सूर्य नहीं है, सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है? तो सहायक कौन सा है? हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, याद रखना हाइड्रोजन और हीलियम। और सन में कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। फिर सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य का जो सेंटर पॉइंट होता है, जिसको मीन्स कोर जो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? आउटर सरफेस जो होता है सन का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्णमंडल, वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि, देखो ये मैंने समझाया था, क्योंकि पृथ्वी क्या होता है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये आप गलती कर दोगे। आंसर हमारा क्या होगा? ए सही होगा। नेक्स्ट है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूरज कब दिखाई देता है? वो दिखाई देता है 21 जून को, आधा रात में सन दिखाई देगा 21 जून नॉर्वे। नॉर्वे कैपिटल कहाँ पे है? ओस्लो, इंपॉर्टेंट कंट्री है, पूछा जाता है। फिर है एक ग्रह जो, सॉरी, एक ग्रह जो अपने अक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो जिस दिन मीन्स सूर्य की दूरी अधिकतम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होता है? अपसौर, अपसौर। देखो अपसौर होता है और एक होता है उपसौर। अप ऐसे करो, अप मीन्स ऊपर, मीन्स अधिक, ऐसे आप लोग याद करो, जैसे हमने याद किया है। तो अप मीन्स ऊपर, अगर अधिक होगा तो अपसौर, कम होगा तो उपसौर, ठीक है ना, ये भी पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न वही हमारा है, न्यूनतम दूरी तो उपसौर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्रों में से किसे एक ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त थी? इनमें से किसे? तो देखो पहले यम को, मीन्स जिसे प्लूटो कहते हैं, तो उसे भी क्या था? ग्रह का मान्यता प्राप्त था। लेकिन सॉरी, यहाँ पे अगर प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र है तो उसके अकॉर्डिंग सूर्य भी ग्रह था, ठीक है ना। तो सूर्य, आप सूर्य करोगे, सूर्य क्या था? एक ग्रह था, पहले माना जाता था ऐसा, क्योंकि उस टाइम में क्या था, सब जानते थे कि पृथ्वी सेंटर में है और सब क्या है, चारों साइड घूमता है। उस टाइम हम लोग पृथ्वी देवता का पूजा किया करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन आपको बस अभी ये जानना है कि क्या है, पहले सूर्य को ग्रह कहा जाता था। फिर सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। आपसे कभी कभी यह भी पूछा जाएगा कि पृथ्वी के कोर का टेम्परेचर कितना होता है, तो वो भी इतना ही होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो अभी हम पढ़े हैं नॉर्वे में दिखाई देता है। अगर आपको पता हो कि नॉर्वे कौन से मीन्स लेखा पे पड़ता है, तो वो होता है आर्कटिक क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो धब्बा वह स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, उसे हम क्या कहते हैं? सूर्य का काला धब्बा। आंसर हमारा क्या होगा? सी सही है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, यह 71%। सूर्य में कितना है? 71% हाइड्रोजन है। याद रखिएगा हीलियम कम है, जब हीलियम अधिक होगा तो सन का कलर कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और होता क्या है उसमें? नाभिकीय संलयन होता है, मैंने बता दिया। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो सूर्य क्या है? तारा है। सौरमंडल का लगभग कितना तापमान होता है? तो ये सौर पृष्ठ का 6000 डिग्री सेल्सियस, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ये तो। नेक्स्ट है हमारा, सूर्य का सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सबसे दूर कौन सा है? वरुण है, वरुण। और सबसे, देखो यहाँ प्लूटो मैंने टिक लगा था, तो प्लूटो पहले था, लेकिन अब ये ग्रह क्या है? ग्रह की बात की जा रही है, ग्रह नहीं है।
ये क्या हो जाएगा, वरुण। और सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध। अच्छा एक बात और, अभी एक मीन्स नासा का एक सेटेलाइट है, मीन्स वेगनार नाम है, वेगनार 1 और वेगनार 2, तो वो क्या गया है, सन का जो भी क्षेत्र है मीन्स सोलर सिस्टम को वो क्रॉस कर जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो वेगनार 1 और वेगनार 2 भी न्यूज़ में है, तो आप उसका नाम याद रखोगे कि किस कंट्री का वो स्पेस मीन्स है सेटेलाइट, तो वो है मीन्स नासा का। नासा का स्थापना कब हुआ था, 1958 में, उसी टाइम DRDO का भी हुआ था 1958 में। इंडिया का है इसरो, इसरा कब हुआ था, 1969। चलो अभी ये सब नहीं पढ़ना है हमने, अभी ये देख लो। नेक्स्ट है सूर्य, वन मिनट, सूर्य का प्रकाश जो होता है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो वो लेता है 8.3 सेकंड, कहीं पे आपको 8.2 सेकंड भी मिलेगा। अब बस इसको ऐसे याद रखो कि 500 सेकंड, और इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकंड। तो आप आसपास पहुंच सकते हो, इसलिए 500 सेकंड, आपको ऑप्शन है 500 सेकंड भी मिलेगा कहीं कहीं, तो इसलिए 500 सेकंड ही याद रखो। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है, तो कौन सा है, बुध। फिर है बुध सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है, तो 88 दिनों में। अच्छा शुक्र कितने दिनों में लगाता है और पृथ्वी कितने दिनों में लगाता है चक्कर, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आसान सा प्रश्न है लेकिन बताना। फिर है जिस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, मीन जिस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, किसमें होती है, बुध में होती है, बुध में। लेकिन ध्यान रखिएगा बुध में और शुक्र में क्या है, कोई चंद्रमा नहीं होता है उसका, मतलब कोई उपग्रह नहीं है उसका। नेक्स्ट है दो ग्रह, अच्छा वही प्रश्न आ गया, जिसमें उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र, बुध और शुक्र में क्या है, उपग्रह नहीं है। रीजन वैसे आपसे कोई पूछेगा नहीं, रीजन पूछे तो बता देना है कि क्या है, क्योंकि वो सन के निकट है, ठीक है ना, जो भी उसका उपग्रह होगा वो सन क्या कर लिया होगा, ले लिया होगा, इसीलिए उसके पास उपग्रह नहीं है। निम्न में से कौन सा सूर्य, सॉरी कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम दिनों में लगाता है, जो सबसे नज़दीक में होगा, मीन्स बुध। नेक्स्ट है सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, तो सबसे तेजी से बुध, क्योंकि वो सबसे क्या है, नज़दीक है। निम्न में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, मीन सबसे लंबा टाइम किसको लगता है, सॉरी सबसे अधिक बता रहा है, सबसे गति अधिक किसका है, वही प्रश्न है, बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, जैसे अक्षीय झुकाव धरती का पढ़ते हैं 62 डिग्री, कुछ 62.5 डिग्री झुका हुआ है, तो सबसे अधिक किसका झुका हुआ है, पृथ्वी का ही झुका हुआ है। नेक्स्ट है चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, मीन्स चंद्रमा की तरह दिखाई देता, अभी पढ़े हैं, बुध। फिर है सौरमंडल का अत्यधिक, अच्छा पृथ्वी की जैसा दिखने वाला कौन सा ग्रह है, अगर आपसे ऐसा प्रश्न आए कि पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट या पृथ्वी जैसा दिखने वाला, तो आप शुक्र पे टिक लगाओगे, शुक्र, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर है सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है, अत्यधिक तीव्र से मतलब है जैसे फास्टेस्ट प्लैनेट, तो कौन सा हो जाएगा, बुध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन ग्रह, तो मैंने जिक्र किया था शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है किस ग्रह को शाम का तारा मीन्स इवनिंग स्टार कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शुक्र को ही, इवनिंग स्टार हो या मॉर्निंग स्टार हो, कहा जाता है शुक्र को। निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार है, चमकदार भी और सबसे गर्म भी, कौन सा है, शुक्र ही है, मीन्स वेनस, वेनस। तो 50 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किया, अब काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा ऐसे आगे। तो देखो इस लेसन में काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट लेसन भी है और इसमें करीब 200 क्वेश्चन है, तो 4 पार्ट में मैं इसको लेके आ जाऊँगा। और इससे पहले अगर आप नहीं देखे हो तो देख लेना, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा, एजुकेशन रिलेटेड मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।